हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आलू और प्याज की चटपटी मसालेदार चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल दिया है 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा, इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसके साथ ऐड करेंगे 8-10 लहसुन साबुत। इसके साथ डालेंगे 3 हरी मिर्च ली है मैंने लंबा लंबा काट के। अब इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते और थोड़े से लिए हैं मैंने हरे प्याज बारीक कटे हुए, और उसके साथ लिए मैंने 2 प्याज इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है उनको। अब इस तरह चलाते हुए 5 मिनट के लिए भूनेंगे इनको हम। देखिए काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 आलू मीडियम साइज़ के लिए हैं, उनको भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब उनको भी इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे साथ साथ। दो तीन मिनट होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 1 टमाटर लिया है मैंने, उसको भी लंबा लंबा काट लिया है बड़े टुकड़ों में। अब इसको भी चलाते हुए इनके साथ भूनेंगे 5 मिनट और। देखिए काफी अच्छे से भून गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब ठंडा करने के बाद हम लेंगे मिक्सर का जार, और इनको इस तरह से ठंडा कर लिया था मैंने। अब इस जार में हम ऐड कर देंगे सारे। इस तरह पूरे जार में डाल देंगे हम। अब ढक्कन बंद करेंगे और इसको कर लेंगे हम अच्छे से ग्राइंड। पेस्ट बना लेंगे इसका फाइन हम। देखिए काफ़ी अच्छे से पेस्ट बन गया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ मैं इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने निकाल ली है चटनी हमारी प्लेट में। अब तैयारी करते हैं तड़के की। एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है थोड़ा, और उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच राई के दाने, 1 साबुत लाल मिर्च। राई के दाने अच्छे से चटक जाएंगे, इसके बाद इसको हम चटनी के ऊपर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक, मैं 1/2 चम्मच नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम नमक को। तो तैयार है हमारी आलू और प्याज की स्पाइसी चटनी। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर